नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में आपके साथ सोनू। खबर इंदौर से है, जहां जेई मेन का रिजल्ट सोमवार को जारी हो चुका है। एमपी में इंदौर के सम्यक जैन ने लड़कियों में मीसा जैन ने टॉप किया है। दोनों ही छात्रों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और दोनों ने ही इसमें बाजी मारते हुए अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इंदौर के आरआर कैट इलाके में रहने वाले सम्यक जैन ने बताया कि वे जेई मेन में बॉयज कैटेगरी में एमपी में टॉपर रहे हैं। सम्यक का 99.995 परसेंटाइल रहा, जबकि मीसा 99.83 परसेंटाइल लाकर गर्ल्स कैटेगरी में एमपी में टॉपर रही। मध्य प्रदेश में टॉप आने पर परिवार में खुशी का माहौल है, वहीं उनके दोस्त भी उनकी सफलता से खुश हैं। सम्यक के पिता कैट में वैज्ञानिक हैं, जबकि माँ हाउसवाइफ है। उनका बड़ा भाई बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनी में है। वहीं मीसा जैन ने बताया कि उनके पिता का कपड़ों का बिजनेस है, जबकि माँ हाउसवाइफ है। उनका छोटा भाई स्कूल में पढ़ रहा है। दोनों ही टॉपर स्टूडेंट्स ने मोबाइल और सोशल मीडिया को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। एग्जाम के पहले ही उन्होंने मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। दोनों छात्र एग्जाम में एमपी में टॉप करने का श्रेय अपने परिवार और फैकल्टी को दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि वे ये सफलता हासिल कर सके हैं। एक दिन में 9 घंटे से 10 घंटे की पढ़ाई, सुबह वॉक करना पसंद, गिटार बजाने और बैडमिंटन का भी है शौक। कोविड में ऑनलाइन क्लासेस की तो वहीं ज़्यादा फोकस किया। एग्जाम के लिए रोजाना गोल बनाकर तैयारी की गई थी। केमिस्ट्री पर किया ज़्यादा फोकस। कोविड होने के बाद एग्जाम की तैयारी की, इसीलिए सफलता मिली है। एग्जाम के लिए पूरा शेड्यूल फॉलो किया था। वहीं दूसरों को भी यही सलाह दी जाती है। 13 घंटे पढ़ाई को दे रोजाना टेस्ट दिया और एनालिसिस किया। IIT दिल्ली से पढ़ाई करने का इनका सपना है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे अभी? अप्रॉक्स 9-10 घंटे पढ़ाई। इसके अलावा भी कोई स्टडी करते थे आप? जैसे मतलब सुबह बहुत पे जाता था, मतलब जो आपने एग्ज़ाम दिया अभी मेंस की, उसमें कितने घंटे आपने पढ़ाई करी? कोचिंग पे जो शेड्यूल रहता था 13 घंटे का, वो पढ़ा।